हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस आज की वीडियो होने वाली है कन्वेंशनल रेडियल के ऊपर। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। वाला है कन्वेंशनल रेडियल के ऊपर। कन्वेंशनल रेडियल बताने वाला हूँ उसका जो क्या पोजिशन होता है, क्या कैसे किया जाता है। पिछला वीडियो सोमो के ऊपर है, कुछ बातें कन्वेंशनल में बताई जाएंगी, वो सोमो में मैंने बता दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। So without wasting time, let's get started. So guys, सबसे पहला चीज़ है आपको अपने बार के पास अप्रोच कर लेना है। इतना तक अप्रोच करना है कि आपका जो सू का लेस होगा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि कहाँ तक आपको पोजीशन रखना है, चाहे आप कन्वेंशनल कर रहे हो या सूमो कर रहे हो। तो ये देखिए, ये मेरा पोजीशन है। मेरे को डाउन जाना है। डाउन में जब जाऊँगा जनरली लोग ये करते हैं, ये आपका बैक पूरा आर्क रहता है, ये पूरा घुमा हुआ रहता है, राउंड रहता है, आर्क राउंड रहता है। अब इसी को आपको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए जब आप इसको बार को जब अप्रोच करोगे, तो ये मैंने कर लिया, बार कर लिया। अब सीधे मैंने अपने हिप्स को, ग्लूट्स को थोड़ा सा नीचे करना। जब मैं ग्लूट को नीचे करूँगा तो ये मेरा हाथ अपने ये मेरे नी मेरे हाथ को टच कर गया। यहाँ पे मेरे नी मेरे हाथ को टच करते हैं और ये हो जाएगा परफेक्ट पोजीशन। मेरे ग्लूट्स भी पीछे हैं। जस्ट अगर आपको उठाना है, अगर आपको राउंड वेक नहीं रखना है, आपको अपने ग्लूट्स पीछे देना पड़ेंगे। यहाँ पर मेरे राउंड वेक है और यही मैंने ठीक किया, तो राउंड नहीं है। जस्ट उसके बाद मैंने बताया है डेडलिफ्ट में जब आप वेट को उठाओगे, बार को जब उठाओगे, लिफ्ट करोगे, ब्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रेसिंग मतलब अपना कोर टाइट करना। ये वीडियो मैंने लास्ट में भी बताया, लास्ट सुमो के भी बताया है यही चीज़। सो ये अपना पोजीशन, पूरा अपना कोर टाइट करना है और ये टिक। सेम चीज़ इससे जाते समय करना है। यही हो गया एक मेन और बेसिक सुमो का जानकारी। तो गाइस यही था एक नॉर्मल सिंपल स्टेप, समराइज करके जस्ट बता देता हूँ। आपको अपना बार का अप्रोच करना है, उसके बाद डाउन, ग्लूट्स आपके पीछे, बेस एकदम कोर टाइट, ब्रेसिंग और पिक। और सेम ही आपको जब नीचे जाना है, जब आप नीचे जाओ आपको ग्लूट्स फ्लैशिंग पीछे करने हैं और ये। So, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।